जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। बड़ा हादसा इस समय जो वो जम्मू के जिवल एरिया में यहां पर पेश आया है, और आप देख सकते हैं कि एक किया कार का एक बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट यहां पर हुआ है, और जिसके हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस गाड़ी में सवार थे उनके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। गाड़ी का जेड नंबर आपको दिखाएंगे, JK12C2999 ये इस गाड़ी का नंबर है, और काफी बड़े हादसे का शिकार ये किया कार यहाँ पर हुई है। और गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ी की हालत यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि हादसा बहुत बड़ा डेंजरस है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हादसा यहाँ पर पेश आया है? ये बहुत बुरा हादसा हुआ है। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? लगातार यहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं, कोई तेज स्पीड का कारण है? स्पीड ही होगी ज्यादा, इसलिए होगा। तो देख सकते हैं कि फिलहाल बड़ा हादसा इस समय आप देख सकते हैं कि किया कार का एक्सीडेंट यहां पर हुआ है। गाड़ी का जेरे नंबर JK12C2999 इस गाड़ी का नंबर है, और जो कि जिवल से जो सुपर स्पेशलिटी की ओर जो रास्ता जाता है वहां पर ये किया कार हादसे का शिकार हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस किया कार के जो टायर हैं वो भी इस समय जो है वो हवा में यहाँ पर उड़ रहे हैं, और काफी ज्यादा आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी की हालत यहाँ पर जो है वो बन गई है। और हर कोई इस समय यहाँ पर इस गाड़ी की हालत को देखकर यहाँ पर हैरान हो रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर जो हो पेश आया होगा। हर कोई इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसे देखकर यहाँ पर हैरान हो रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये गाड़ी की हालत यहाँ पर बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से ये किया कार जो आए दिन इसके हादसे देखने को मिलते हैं, और गाड़ी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का यहाँ पर डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी में कितने लोग सवार थे उसके बारे में जानकारी नहीं है, और एक्सीडेंट का क्या कुछ कारण है उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया। लिहाजा माता रानी के आगे, वाहेगुरु के आगे दुआ करें कि जो भी लोग इस गाड़ी में सवार हैं उनका कोई जानी नुकसान जो हो इस पूरे हादसे में ना हो, क्योंकि गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी की रफ्तार थी, और एक बिजली के हम्बे के साथ ये गाड़ी टकराई है। और मुझे लगता है कि गाड़ी जो है वो शायद रॉन्ग साइड थी, क्योंकि ऊपर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो उस साइड होती हैं, लेकिन ये गाड़ी वहां से इस साइड आ रही थी, और काफी ज्यादा यहां पर भी जो है वो इस गाड़ी की हालत यहां पर खराब हुई है। ना जाने किस गाड़ी के साथ इसकी टक्कर हुई होगी, लेकिन किस तरह का जानी नुकसान इसमें हुआ है या नहीं हुआ है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये भीषण सड़क हादसा इस समय जो है वो जम्मू के जिवल में किया कार का यहाँ पर हुआ है, और कितने लोग इसमें सवार थे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और एक्सीडेंट की क्या कुछ वजह है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। माता रानी से हम यही दुआ करते हैं कि इस हादसे में कोई भी किस तरह का जानी नुकसान ना हुआ हो, लेकिन गाड़ी की हालत देखकर आप लोगों के भी होश उठ जाएंगे कि किस तरह से इस किया कार की हालत यहाँ पर बन गई है। इससे पहले सिदड़ा में भी किया कार का एक्सीडेंट हुआ था, और वहां पर भी आपने देखा था कि किस तरह से किया कार जो कि पूरे तरीके से डैमेज हो गई थी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गाड़ी जो है वो फ्रंट साइड से पूरी तरह से डैमेज है, शीशे वगैरह एक साइड से आप देख सकते हैं। ये पोल यहाँ पर ना होता तो ना जाने कितनी गाड़ियों को जो है वो इस किया कार ने हिट कर रहा था। लेकिन फिलहाल इस हादसे में कितने लोग जख्मी हुए इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन माता रानी के आगे फिर भी हम लोग यही दुआ करते हैं कि इसमें जो है वो कोई भी किस तरह का जानी नुकसान ना हुआ, और जो भी लोग इसमें अगर जख्मी भी हुए हैं तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, सही सलामत अपने परिवार में वापस लौट सकें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।